अस्सलाम वालेकुम जी। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ बच्चियां ऐसी हैं जिनकी एज 35 से ऊपर हो गई है और उनकी अभी तक शादी नहीं हो सकी। शादी ना होने की कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अहम बात यह है कि शादी नहीं हो सकी। तो ये थी वो 1 करोड़ बच्चियाँ जिनकी एज 35 से अबव थी। अब आप खुद सोचिए कि अगर टोटल तादाद उनकी निकाली जाए, ढूंढ कर निकाली जाए कि कौन सी बच्चियाँ गैर शादीशुदा है, तो ये तादाद कितने करोड़ों में होगी। इस फिगर को देखते हुए अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपको कई घरों में ऐसी जवान बच्चियाँ सिरों में चांदी हो गई है और बैठी हुई नज़र आएंगी, और वालदैन उनको जब देखते होंगे तो उनके दिल से एक आह निकलती होगी। इस मौके पर मैं दुआ करूंगी कि या अल्लाह पाक हर बच्चे की शादी उसके वालदैन की ज़िंदगी में हो जाए, ताकि वो भी मुतमिन रहें और अपनी कब्रों में इत्मीनान से सो सकें, और बच्ची के सर पर भी हाथ रखने वाला उसका कोई कफील हो। इसी मुश्किल के पेश नज़र हमने मिलकर व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है ज़ौजैन। ये ज़ौजैन ग्रुप क्या काम करता है, इसके मकासद क्या हैं और क्या तरीक़ाकार है, क्या चीज़ें हैं इसमें होती हैं, क्या सहूलत दी जाती है अपने बहन भाइयों को, वो सारी डिटेल में मैं एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको ज़रूर देखिएगा। हमने ये ग्रुप जो है रिसेंटली बनाया है, तकरीबन रमज़ान के महीने में हमने इसकी इब्तदा की थी, अल्लाह का नाम लेकर इसकी इब्तदा की थी, ताकि रमज़ान के महीने में एक नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें इसका अजर दे और हमें कामयाब करे कि हम किसी के काम आ सकें। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि हमारे ग्रुप की इब्तदा रिसेंटली हुई है, इसलिए अभी वो अपनी सही शक्ल सूरत अपना नहीं सका, लेकिन वो इतना नाकाम भी नहीं है। तकरीबन 2 महीने से कम के अरसे में उसने 200 तकरीबन मेंबर्स उसमें शामिल हो चुके हैं, और बहुत सारे हमारे बहन भाइयों ने हमारे ऊपर भरोसा करते हुए, हमारे ऊपर एतमाद करते हुए अपने बच्चे और बच्चियों की प्रोफाइल्स उस ग्रुप में डाली हैं। अब वो ग्रुप काम कैसे करता है, सब लोग अपनी प्रोफाइल्स जिसके लिए वो रिश्ता तलाश कर रहे हैं उस ग्रुप में डाल देते हैं। दूसरे तमाम देखने वाले या जो दूसरे लोग होते हैं उनको जो प्रोफाइल ठीक लगती है वो एडमिन से रब्ता करते हैं कि के फलान नंबर की प्रोफाइल में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे उनकी डिटेल बताई जाए। ये था उस ग्रुप का इब्तदाई तरीक़ाकार, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मेंबरान की तादाद बढ़ रही है, प्रोफाइल्स ज़्यादा आने लगी हैं, और लोगों ने भी कुछ हमें राय दी हैं, मशवरे दिए हैं, और हमारा तरीक़ेकार कोई पत्थर पे लकीर नहीं कि हमने उसी के साथ चिपटे रहना है, तो दूसरों की राय और मशवरे के मुताबिक लोगों को अगर हम मज़ीद सहूलत दे सकते हैं तो हम ऑलवेज फ्लेक्सिबल हैं ऐसा करने के लिए। तो दूसरों के मशवरे को समझते हुए हमने थोड़ी सी तब्दीली ये की है कि हमने उस पर फ़ोन नंबर ऐड करने का ऑप्शन रखा है कि आप अगर समझते हैं और आपके लिए इजी है तो आप अपनी प्रोफाइल में अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं ऐड करना चाहते उनके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि ये आपकी सहूलत के लिए है, कोई ज़बरदस्ती के लिए नहीं बनाया गया ग्रुप। तो जो लोग प्रोफाइल में अपना फ़ोन नंबर ऐड करते हैं वो ऐड करें, उनकी प्रोफाइल फ़ोन नंबर के साथ ग्रुप में पोस्ट की जाएगी, और जो नहीं ऐड करना चाहते उनका नंबर सिर्फ एडमिन के लिए है ताकि वो उनसे रब्ता कर सके, तो वो एडमिन के पास सेफ एंड सिक्योर रहेगा और उनकी इजाज़त के बगैर किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। देखिए, हम अपने घर को कितना भी सिक्योर कर लें, कितनी भी उसकी हिफाजती बंद बांध लें, कहीं ना कहीं से कोई पानी का रेला, कहीं ना कहीं से कोई हवा का झोंका, कहीं ना कहीं से कोई बुरी चीज़ अंदर आ ही जाती है। तो इसलिए कहना कि हम 100% सिक्योर हैं ऐसा मैं कोई दावा नहीं करती, लेकिन आप इसके लिए डरिए भी मत। 100% सिक्योरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ना ही जो इसका दावा करेगा कि 100% सिक्योर है वो यकीनन बरगला रहा होगा आपको। इसलिए हकीकत पसंदी का मुजाहरा कीजिए और हकीकत का सामना कीजिए, खुद को बहादुर बनाइए, और अगर कोई बुरी चीज़ आती है तो उसके साथ निपटने के लिए खुद को तैयार रखिए। कभी भी आपको कोई चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आती है या आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं, ये शख्स मुझे कॉल कर रहा है, या इसका कुछ इरादा या इसके कुछ कहने का तरीका कुछ और है, या आप किसी से चौकन्ना हो जाते हैं, तो खुद भी चौकन्ने रहिए,
खुद भी अपनी चीज़ की हिफाजत कीजिए और ग्रुप एडमिन को बताना भी मत भूलिए कि हमने हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, ताकि ग्रुप एडमिन आपकी शिकायत पर आपकी शिकायत के मुताबिक अपने ग्रुप को सुधार सके और आइंदा के लिए किसी और को उस मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब जिन लोगों ने फ़ोन नंबर्स ऐड किए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर तो आपने अपनी प्रोफाइल्स में ये चीज़ें नहीं लिखी कि आपको कैसी कास्ट चाहिए, कैसा एज चाहिए और कैसी एजुकेशन चाहिए, कैसी हाइट चाहिए और कैसी आपको उसकी मतलब के कहाँ जहाँ आप रहते हैं वहीं चाहिए या कि कोई भी चलेगा, तो अगर ये सारी डिटेल नहीं लिखी तो प्लीज़ आप तैयार रहिए, आपको बेशुमार फ़ोन कॉल्स आएंगी और आपने बड़े सब्र तहम्मुल और बड़े आराम से उनको हैंडल करना है। और जो आपको, क्योंकि आपने खुद ही अपने प्रोफाइल में अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी तो जाहिर है कोई भी आपको कॉल कर सकता है। तो जो लोग अपना फ़ोन नंबर अपने प्रोफाइल में ऐड करना कर चुके हैं या जो लोग करना चाहते हैं वो प्लीज़ अपनी ये बातें ज़रूर प्रोफाइल में लिखें, ताकि उसके मुताबिक ताकि उन बातों के मुताबिक ही लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। हाँ, उन आपने वो बातें लिखी हों और फिर उसके बावजूद कोई आपसे कॉन्टैक्ट करे तो फिर भी आराम और तहम्मुल से, क्योंकि हो सकता है पढ़ने वाले ने मिस कर दिया हो या हो सकता है किसी ने चांस ले लिया हो कि चलो 19-20 तो होता ही है, या हो सकता है किसी ने चांस ले लिया हो कि चलो रिश्ते में 19-20 तो होता ही है, अगर ये मुनासिब चीज़ उनके साथ नहीं मैच करती तो चलो ये तो मैच करती है ना। और दूसरे वो जो बहन भाई जिनके आपस में रिश्तों की बातें चल रही हैं, जो प्रोफाइल्स आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं और उनकी बातचीत चल रही है, अगर वो किसी लम्हे पे हमें मशवरे के काबिल समझते हैं और हमसे कुछ पूछते हैं तो हम उनको ज़रूर मशवरा देंगे, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि क्या मैं यहाँ अपने बच्चे या बच्चे की पिक्चर भेज दूँ, तो उसके बारे में हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी के साथ आपने फ़ोन पे बात की है, आपको उनसे बात करके कैसा फील हुआ, आप उनके साथ पिक्चर एक्सचेंज करना सिक्योर और सेफ समझते हैं तो कीजिए, क्योंकि बात करने वाले आप हैं, हमने तो बात नहीं की, हम तो किसी भी को भी ग्रुप में ऐसे ही जानते हैं जैसे सारे ग्रुप मुझे जानता है, तो फिर मैं कैसे किसी के बारे में कह सकती हूँ कि हाँ इसको भेज दो इसलिए अच्छा है, इसको मत भेजो पता नहीं क्या हो, ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगी और ना ही मैं कहने वाली हूँ। इसीलिए मैं किसी की पिक्चर्स अपने पास नहीं रखती और ना ही किसी से पिक्चर्स मांगती हूँ, क्योंकि पिक्चर का मरहला तो बाद में आता है, पहले तो फ़ोन पे बात करने का मरहला आता है, तो वो तो आप लोग खुद ही फ़ोन पे बात करेंगे ना, तो बात करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि पिक्चर लेनी है या देनी है। तो ये जो पिक्चर एक्सचेंज करने का मसला है, इसका एक छोटा सा सलूशन मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग में उसका हल ये है कि अगर तो आप दोनों पार्टीज़ एक ही एरिया में रहती हैं, फ़ोन पे बात होती है और दोनों को मतलब के 50% ठीक ही लगता है मामला, और पिक्चर की बात आ जाती है कि आप पिक्चर भेजें मैं पिक्चर भेजूं, पिक्चर भेजने के बाद ये कहना कि डिलीट कर देना या ये कहना कि फ़लाँ को ना दिखाना फ़लाँ को दिखाना, देखिए ये कैसे हो सकता है, जब आपने पिक्चर भेज दी तो पिक्चर गई। तो उसका हल ये है कि अगर आप एक जगह पर रहते हैं तो फ़ोन पर बात करने के बाद डिसाइड कर लें किसी जगह मिलने का, पेरेंट्स रख पेरेंट्स किसी जगह मिलने का डिसाइड कर लें और साथ पिक्चर ले जाएं और वहां एक दूसरे को दिखा के पिक्चर अपनी साथ वापस ले आएँ। ये तो हल हो गया उन पेरेंट्स के लिए जो एक ही जगह पर या करीब करीब कहीं रहते हैं। अब वो पेरेंट्स जो ज़रा दूर रहते हैं कहीं, वो ऐसा कर सकते हैं कि जब उनके फ़ोन पे बात हो जाए और उनको ठीक लगे, मामला आगे बढ़ाना चाहिए, पिक्चर देखनी चाहिए, तो वो वीडियो कॉल कर लें और वीडियो कॉल पे अगर बच्ची को दिखा लें बेटे को दिखा लें, अगर वो पिक्चर एक्सचेंज करने को बुरा समझते हैं या सेफ नहीं समझते या भेजने के बाद ताकीदें करते हैं कि फ़लाँ को दिखाना फ़लाँ को ना दिखाना, वापस कर देना डिलीट कर देना या हमने भेजी या आपने नहीं भेजी, तो ये दो तरीके मेरे ख्याल में मुनासिब रहेंगे। ये सिर्फ हमारे अपने मतलब के आइडियाज़ हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसके साथ स्पिक करें, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सब्र और तहम्मुल से बैठ के सोचिएगा ज़रूर कि फ़ोन के बाद नेक्स्ट स्टेप पिक्चर ही होता है या फिर मेल मुलाकात होता है, तो पिक्चर अगर दिखाने में कोई कबाहत है तो ये तरीके अपनाए जा सकते हैं।
ये सारा सिलसिला करने का हमारा एक ही मकसद है कि अपने बहन भाइयों की कुछ मदद कर सकें। इस सिलसिले में सभी लोग मसरूफ हैं, कारोबार में, नौकरियों में, घरदारी में, बच्चों में, हर चीज़ में। अगर अल्लाह ने हमें थोड़ी सी सहूलत दी है, फुर्सत दी है, हमें इस काबिल बनाया है या हमारे अंदर ये सलाहियत रखी है कि हम बोल कर या आइडियाज़ लगा कर दूसरों को कुछ बता सकें, तो हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमारा अपना कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय अल्लाह की रज़ा के और अल्लाह की खुशनुदी के या आखिरत में अच्छे अजर के। हमने कोई मतलब नहीं इसमें। अब इसके साथ ही मैं रुख्सत चाहूँगी आपसे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। किसी और मसले का कोई अच्छा सा सलूशन देकर आऊँगी। और प्लीज़ मेरे लाइव में मुझे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। उससे पहले मैं ग्रुप में ज़रूर डालूंगी कि लाइव होने वाला है 2 घंटे में 3 घंटे में, ताकि आप वहाँ लाइव घंटों मेरे साथ बात कर सकें, मुझे बता सकें। और एक और बात, अगर आप अपना मसला वहाँ लाइव मुझे नहीं बता सकते तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, और मैं बग़ैर आपका नाम लिए आप वहाँ सुन रहे होंगे तो उस मसले के बारे में ज़रूर बोलूँगी। और अगर मेरी नाकिस अकल में उसके बारे में कोई मशवरा या उसको सुलझाने का कोई आइडिया हुआ तब भी उसको ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए और इस ग्रुप के लिए भी दुआ कीजिए। हमने सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर और अपने बहन भाइयों की मदद के लिए बनाया है, इसमें हमारा ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं।